अभी जो चने को भी लेके बात करते हैं, चने की क्या स्थिति बन रही है? चने में भी लोगों का ध्यान था, तो चने तो चारों तरफ राजस्थान में खूब अच्छा चना का पैदावार है, मध्य प्रदेश में खूब है। गवर्नमेंट जिस भाव में तुलाना चाहती है वो भाव तो मार्केट में भी है, तो 52 से 54 रुपये का चना पहले ही 2-3-4 सालों से लोग चने में भी पिटे हुए हैं, चने में पैसा नहीं कमाया लोगों ने। ऐसे में अब लोगों का ध्यान बहुत तेज़ी का वातावरण बना था कि 60-70 रुपये हो जाएगा, मगर आवकों का प्रेशर चने में 6-6, 8-8 हज़ार बोरी, 10-10, 12-12 हज़ार बोरी कोटा, मतलब आवकें इतनी आवकें हैं कि अभी बैंकों में रुपये कम पड़ने लगा हालत ही है, क्योंकि अफीम का तोल अलग चलता है, सारी उपज अलग आती है, तो जितना रुपया आता है मंडियों में, मंडियों से ही कैश मिलता है, वो रुपया सारा किसान के घर में चला जाता है। नोटों की शॉर्टेज से बैंक में जमा हो तब तो रुपया मिले ना, रिजर्व बैंक ने 500 रुपये के नोटों को कम कर दिया, 100-100 के नोट के बंडल मिल रहे हैं किसान के हाथ में, तमाव तो कहता मुझे 100 का क्यों दे रहे हो। अलाउंस मंडी कमेटी से कराते हैं कि भाई अब बैंकों से डीलिंग करना पड़ेगी, आपको कैश पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो वो माथे आता है, और मंडी बंद करने की कोशिश करें तो बिगड़ता खेल, मंडी बिगड़ती तो हमारा भी खेल बिगड़ता है, व्यापार बिगड़ता है। ऐसे में सब समझौता करके चला रहे हैं, किसी को 50,000 देके लाख रुपए वाले को, लाख रुपए वाले को 50,000 का RTGS करते हैं, ऐसे कुछ चला रहे हैं कि वो राजी खुशी कैसे भी घर जाए, माल बेचे, अपना पैसे का काम उसका भी हो जाए, किसान राजी भी रहे, मंडी से कभी नाराज नहीं हो, ये स्थिति चल रही है। ये बात तो देखने में आया कि नीमच मंडी से किसान खासतौर से जो बाहर से आते दूर दराज से, भाव को लेकर भी संतुष्ट नजर आते हैं और व्यवहार से भी, निश्चित तोल मोल और जोल और पेमेंट के मामले में तो नीमच मंडी नंबर 1 मंडियों में गिनी जाती है। यहाँ 7 बजे बाद आपको कभी किसान नजर नहीं आएगा कि उसका पेमेंट बाकी रह गया, और आज तक के इतिहास में ये भी नहीं हुआ आज तक, जबकि प्रदेश में कई बार सुनते हैं किसी की जगह किसानों का पैसा लेके कोई व्यापारी भग गया, यहाँ पे किसी किसान का 1 रुपया भी किसी व्यापारी में आज दिन तक लेना नहीं रहा, ना कभी को डूबा है और न डूबेगा, प्रयास रहता है किसान पूरा पेमेंट लेके आराम से राजी खुशी घर जाए और अपना माल बेचे और खुशी खुशी वापस आए। अभी चना क्या चल रहा होगा न्यूनतम? चना 52 से 54 है, 50 नीचे में 5,000 रुपये बिक रहा है, ऊपर में 54-55 बिक रहा है। चना जो रेंज है वो भी चने की अच्छी है, मगर जो एकदम लगातार लोगों को वातावरण तेजी का वो भी थमा है थोड़ा। मेथी में भी ये स्थिति हुई है, मेथिया भी जो एकदम ध्यान तेज था, मेथियों का आवक भयंकर है, 12,000 बोरी, 10,000 बोरी जावरा में आ रही, नीमच मंडी में 5-5, 4-4 हज़ार बोरी मेथी आ रही, तो मेथी का पहले पुरानी ओल्ड डंप अलग है। आजकल क्या स्टॉक से पता नहीं लगता कितना माल आ रहा है, कैरी फॉरवर्ड बहुत निकल जाता है, कैरी फॉरवर्ड दुख दे देता है, क्योंकि गोडाउनों में अगर भरा माल पड़ा तो तेजी कैसे बनेगी। नवल मित्तल, व्यापारी प्रतिनिधि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नवल जी, बहुत अच्छी जानकारी दी और सटीक जानकारी मिली है। और नवल जी की एक विशेषता रही है कि ये जो भी है वर्तमान स्थिति और हालात को लेकर बिल्कुल अपनी सटीक राय देते हैं, और जिसके चलते व्यापारी भी इनसे सलाह लेते रहते हैं और किसान भी सलाह लेते थे। विजित महाडिक, मार्केट टाइम्स, नीमच।